घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के दौरान ऑर्डर करें दी वेब्स रेस्टोरेंट। एक और देश जहां कोरोना जैसे महामारी के संकट से गुजर रहा है, तो वहीं इन सब के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर अफवाहों का बाजार भी लगातार गर्म होता नजर आ रहा है। रामगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित नोट सड़क पर फेंके जाने का मामला सामने आ रहा है। रामगढ़ में सनसनी फैल गई है और लोगों के बीच दहशत बढ़ता जा रहा है। लोगों ने मीडिया के माध्यम से फेंके हुए नोट की वीडियो को खूब देखा और दहशत में है। दरअसल रामगढ़ में लगातार 500 के नोट मिलने से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। झारखंड के रामगढ़ में नोटों को मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन पहले रामगढ़ के ब्लॉक में, फिर रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक के पास, और आज फिर से 500 के चार चार नोट। गौरतलब है कि एक सप्ताह के अंदर कई अन्य जगहों पर इसी तरह से नोट मिल रहे हैं। लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर खौफ इस कदर समाया है कि इस तरह के नोट सड़क पर पड़े देखकर तुरंत लोग पुलिस को सूचना दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगभग चार स्थानों पर 500 के नोट गिरे हुए मिले, जिस कारण से आम आदमियों में काफ़ी दहशत है। लोग नोट के पास जाने से भी कतरा रहे हैं। उस कोरोना के खौफ के कारण लोगों में इतनी भय पैदा है कि रोड पर नोट फेंका हुआ देखकर भी लोग उसके पास जाने से कतरा रहे हैं। आखिर में ये कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमारे समाज को अशांत करने में लगे हुए हैं? मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इन शरारती तत्वों का उद्भेदन करके समाज में शांति स्थापित करने की व्यवस्था। नोट मिलने वाले इन सारे जगहों पर पुलिस पहुंचकर पहले नोटों को सैनिटाइज करती है, फिर एहतियात बरतते हुए उसे उठाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो कोरोना संक्रमण का दहशत लोगों के बीच फैला रहा है, जबकि इसको लेकर जिला पुलिस के द्वारा लगातार अफवाह ना फैलाने की लोगों से अपील की जा रही है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा सख्त निर्देश भी जारी किया गया है कि अगर कोई भी किसी भी माध्यम से अगर अफवाह फैलाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी असामाजिक तत्व का हाथ होगा, जांच की जा रही, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पैसा को सील करके रख लिया गया है और इसमें जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, जैसे इस जैसा देखा जा रहा है रामगढ़ में भी दो बार ऐसा किया गया और इस बार पहली बार भुरकुंडों में ऐसा मामला आया है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है? कोई असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, इस तरह के समाज में विद्वेष फैलाने की भावना से पैसा गिरा सकते हैं या रास्ता चलते किसी गिर भी सकता है। जांच का विषय है, जांच के बाद इसमें कुछ बुला जा सकता है। कितना पैसा सकता है सर? अभी तो पैसा गिनने में लगता है जैसे 2000 रुपया, 4 नोट है, 2000, 5, 5 रुपये। न्यूजलेंस चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है